नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूं आपका बीबीसी लाइव न्यूज में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवान भरोसी कोरबा जिले के कटघोरा तहसील अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चाका बुड़ा में अव्यवस्था का आलम, जिससे कभी भी बड़ी अनहोनी हो सकती है। कल जब ग्राम का एक परिवार प्रसव पीड़ा होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, तब वहां लाइट नहीं थी, ना ही इन्वर्टर कार्य कर रहा था। सोलर सिस्टम होने के बावजूद कार्य नहीं कर रहा था। तब इसकी जानकारी परिजनों ने ग्रामीण प्रतिनिधियों को दी, तब उनके द्वारा टॉर्च एवं मोबाइल लाइट की व्यवस्था की गई, तब जाकर महिला का प्रसव कराया गया। महिला स्टाफ नर्स ने बताया कि किसी कारण से लाइन आज केंद्र में नहीं, इन्वर्टर खराब रहता है, सोलर लाइट भी काम नहीं करता है। इसकी जानकारी विभाग के अधिकारियों को कई बार दी जा चुकी है। ग्रामीणों ने बताया कि भवन जर्जर हो चुका है, प्रसव कमरा जर्जर है। कुछ समय पूर्व एक प्रसव कमरा की छत का मलबा भी गिरा था, जिसमें एक नवजात बच्चा बाल बाल बचा। कई बार प्रसव कमरा बदलने की बात भी की जाती है, लेकिन अभी तक नहीं बदला गया। क्षेत्र के प्रतिनिधियों सरपंच के एक नेतृत्व में कई बार भवन मरम्मत कार्य एवं बिजली व्यवस्था को सुधारने की मांग रखी भी है, लेकिन अभी तक इस पर पहल नहीं किया गया। मैं क्या, मेरी पोस्टिंग चाकाबुड़ा पीएचसी है। मैं स्टाफ नर्स हूँ। शामनी मसीह सिस्टर मेरा नाम है। मैं ड्यूटी कराई थी रात में, पूरी रात लाइट बोल थी। मैं सोलर भी नहीं चल रहा था और इन्वर्टर भी फिट नहीं है। मैंने टार्च में और चिमनी में डिलीवरी कराई थी रात में। नाम, मैं दीपक काम चाकाबुड़ा से। कल यहाँ चाकाबुड़ा स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल ले गए थे डिलीवरी केस में। वहाँ लाइट का भी कुछ व्यवस्था है नहीं। रात में लाइट व्यवस्था नहीं तो डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रहा था। तो डिलीवरी किससे कराया? डिलीवरी के लिए फिर लाइट का व्यवस्था, टार्च वगैरह मोबाइल के टार्च से व्यवस्था करके सब डिलीवरी करवाए। तो अभी तक ये छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ खबरों के साथ।